आज हम पहुंचे हैं श्री राम तीर्थ, जहां पर महर्षि वाल्मीकि, भगवान वाल्मीकि का आश्रम है। यहां पर माना, ऐसी धारणा है कि यहां पर उन्होंने कई हजार साल तपस्या की और भगवान श्री रामचंद्र के जन्म से पहले ही उन्होंने यहां पर रामायण की संरचना भी कर दी थी। यहीं पर जब भगवान राम ने माता सीता का परित्याग कर दिया था तो यहां पर लक्ष्मण उन्हें छोड़ गए थे, तब भगवान श्री वाल्मीकि ने माता सीता को अपनी धर्मपुत्री बनाया और यहीं पर लव और कुश का जन्म भी हुआ। आज हम आपको दिखाएंगे, ये भी इतिहास है, जब यहाँ पर भगवान श्री राम का अश्वमेध यज्ञ का जो घोड़ा था छोड़ दिया गया था, तो लव कुश ने इस घोड़े को पकड़ा। जब उन्हें छोड़ा नहीं तो एक दिन एक रात यहाँ पर भगवान राम भी आए थे, उससे पहले भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न भी यहाँ पर आए थे और भगवान हनुमान भी आए थे। ऐसी आज हम यहाँ पर भगवान श्री वाल्मीकि की अष्ट धातु की मूर्ति भी बनाई गई है, आज हम दर्शन कराते हैं आपको। हम आपको ये बता दें, आज हम अपने चैनल के माध्यम से आपको इस पावन स्थल के दर्शन इसलिए करवा रहे हैं क्योंकि 5 अगस्त को अयोध्या में श्री राम मंदिर का निर्माण शुरू होने जा रहा है। पूरा देश जो है राममय में रंगा हुआ है। यहाँ पर भी देखिए, एक बहुत बड़ा धर्म स्थल है, सरोवर के बीचों बीच ये मंदिर बनाया गया है। हम आपको ले चलते हैं अब मंदिर के अंदर। मैं कैमरामैन से कहूँगा कि वो अंदर भगवान श्री वाल्मीकि की जो मूर्ति बनाई गई है वो भी आप उसके भी दर्शन आपको कराए जाएँ। ये देखिए भगवान श्री वाल्मीकि की जो मूर्ति है अष्ट धातु से बनाई गई है। इसका निर्माण पूर्व अकाली भाजपा सरकार के दौरान, जब पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल थे, तो तब करवाया गया था। इस पूरे धर्मस्थल का जो है सौंदर्यीकरण के लिए सरकार की ओर से लगभग 135 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। ये देखिए भगवान श्री वाल्मीकि की अत्य भव्य मूर्ति है और इसको कैसे ऊपर जो झूमर लगा हुआ है वो भी बहुत भव्य है, जिसकी सुंदरता देखते ही बनती है। हमारे साथ हैं श्री राम तीर्थ के महंत, हम इनसे बात करेंगे कि इसका क्या महत्व है, इस स्थान कितना पावन है और लोग कहां कहां से आते हैं। बाबा जी, थोड़ा नाम। मेरा नाम जी हीरानाथ। तुसी कदों तो इतने सेवा कर रहे हो? काफ़ी चिर तो सेवा कर रहे हैं जी। थोड़ा दसोगे सानू, साढ़े चैनल के माध्यम नाल भी, इहदा की महत्व है? इत्थे भगवान वाल्मीकि महाराज जी ने सतयुग च प्रगट हो के इत्थे रामायण लिखी आ। रामचंद्र जी के आने तो 10,000 वर्ष पहला, तो जो रामचंद्र जी का जन्म होया उस तो बाद रामचंद्र जी ने सीता नू बनवास दिता, तो सीता माता इत्थे आई है। उस वक्त ये जंगल सी, तो भगवान वाल्मीकि महाराज जी के चरणों में सीता माता रही आ, लव का जन्म होया इत्थे, तो कुछ नू वाल्मीकि महाराज जी ने अपनी शक्ति दे नाल प्रगट किया इत्थे। वो कोई कथा है, कोई धारणा है भी किस तरह कुछ दी प्राप्ति हुई थी माता सीता नू? सीता माता ने अपने बच्चे के पोलरे धोन वास्ते जो नदी पर गई आ, तो उत्थे देखा कि एक बांदरी दो बच्चे लैके इशनान कर रही सी, तो उहदे मन विच ये आया कि मैं कदों रामचंद्र जी के पास जावांगी तो मेरे दो बच्चे होणगे। तो अंतरजामी भगवान वाल्मीकि महाराज जी ने उहदे आउंदिआं नूं एक कुशां दा बालक बना दिता, तो जदों वह वापस आई तो उन्हें कहा जी आह बालक किसदा है? उन्हें कहा भी बालक तेरा है। तो सो भगवान वाल्मीकि महाराज जी की कृपा दे नाल लव ते कुश भगवान वाल्मीकि महाराज जी ने अपनी शक्ति दे नाल सीता नूं दो बच्चे दिते। होर तुसी कुछ कहना चाहो? इत्थे इत्थे भगवान वाल्मीकि महाराज जी की कृपा दे नाल अज भी जिस तरह सीता नूं लव कुश मिले उस तरह अज भी लोगों इत्थे बच्चे मिल रहे ने, ते लोग इत्थे दर्शन करन वास्ते आउंदे ने, तो दूरों दूरों बाहर के मुल्कों चों इत्थे संगत दर्शन कर आउंदी है, पुत्रां दी दात मंगन आउंदी है भगवान वाल्मीकि महाराज जी तो। अच्छा, इत्थे वो जगह भी हैगी जिथे आके लोग अपने पुत्र दी मंगदे, जिन्हां दे बच्चा नहीं हुंदा वो आके मंगदे, भी सुखना मंगदे है एक बच्चा होवे? हाँ जी, उत्थे धूना साहब ते भगवान वाल्मीकि महाराज जी दे धूना साहब ते लोकी आके मत्था टेकदे ने, सीता माता कुठिया आ बौली च इशनान करदे आ, जिथे उस समय सीता माता जी इत्थे इशनान करदे हुंदे सन, तो उस बौली दे विच लव कुश दे सीता माता जी ने पोदड़े धोते आ, उत्थे अज भी लोग आके इशनान करते हैं, 5 ऐतवार इशनान करते हैं, तो हर एक दी मराद जिहड़ी पूरी हुंदी है। अच्छा, 5 ऐतवार आके इशनान करना पैंदा जिहदे बच्चा नहीं हुंदा, इह धारणा है सी? जिहदे नहीं बच्चा हुंदा जी,
इस गल नूं तुसीं मन्नोगे नहीं, मेरे चौं लड़कियां तो एक बेटा पैदा होया। मैं इत्थे सेवादार बड़े चिर दा लगा है, तो मेरे घर चौं लड़कियां तो एक बेटा पैदा होया, वह भी इत्थे इशनान करन दे नाल। इत्थे सिर्फ लड़के दी मनोकामना मंगन आंदे? लड़के दी भी जो किसे नूं मंगन दी मतलब चाहत होवे उही कुछ मिलदा जी। लोग घर बना के जाते हैं, उन्होंने घर बनते हैं, लोग बाहर जाने वास्ते महाराज के चरणों में अरदास बेनती करके जाते, वह भी लोगों की आस मुराद पूरी होंगी आ। बाहर के मुल्कों के लोग जा रहे हैं सजदा करन आते हैं कि महाराज साड़ी आस मुराद पूरी होवे। भगवान वाल्मीकि महाराज जी की कृपा के नाल युगो युग इतने इस तीर्थ से अज भी लोगों की आसा मुरादा पूरी हो रही। कल युग चल रहा है, अज भी लोगों की इतने आसा मुरादा पूरी हो रही ने। बाबा जी इतने जो मेला लगता किन्ने दिन का मेला लगता? जिहड़ा पुन्निया दे मेला लगता कत्थक दी पुन्निया नूं मेला लगता है उत्थे लगातार महीना डेढ़ महीना लगा रहिंदा जी, क्योंकि महीना लगातार मेला चलता हो ते अगों पिछों भी दुनिया जिहड़ी रोज़ चलती रहिंदी है, जिहड़े बाहर दे लोक आउंदे ने ओह दर्शन करके जांदे जी। तुहाड़ा नाम? मेरा नाम महंत अवतार बाबा जी। अवतार जी थोड़ा दसोगे इस स्थल बारे सानू, इस भगवान श्री वाल्मीकि राम तीर्थ स्थल दे बारे? जी इत्थे लव कुश जदों बड़े होए तो लव कुश उधरों श्री रामचंद्र जी ने अश्वमेघ यज्ञ रचाया। उन्होंने मत्थे के घोड़े मत्थे पे बांध दिया भी जो भी घोड़े को पकड़ेगा उनको युद्ध करना पड़ेगा। चारे कूटा घोड़े घूम लिया, किसी ने घोड़े को नहीं पकड़ा। इधर आके लव कुश ने घोड़े को पकड़ लिया। पीछे भरत थे, शत्रुघ्न थे, लक्ष्मण जी थे, हनुमान जी थे। राम तलाई है वहाँ राम जी आए हैं, लक्ष्मण सर है वहाँ लक्ष्मण जी आए हैं, विवेक सर वहाँ भरत जी आए हैं, और इन्हों को जहाँ दुर्गियाना मंदिर बनाया वहाँ हनुमान जी आए हैं। हनुमान जी को कच्चे तन से बांध दिया लव कुश ने, और इनको आम सामने युद्ध होने लगा, पूरी सेना ख़त्म कर दिया। जब सीता माता जी ने देखा कि पूरी सेना अपनी ख़त्म कर दिया, इन्होंने अपनी अंसा ख़त्म कर दिया, तो उन्हें वाल्मीकि जी गारी प्रार्थना की है, महर्षि वाल्मीकि भगवान जी ये युद्ध रोका जाए। उन्होंने युद्ध रोका है, नीचे पताल चो गया, वहाँ से जाके अमृत लाया, अमृत ला के पूरी सेना ऊपर छिड़किया, पूरी सेना जीवित हो गई है। बाकी जो अमृत बचा वो दुख भंजन बेरी अमृतसर जाके दब दिता। कुछ समा पिया वहाँ पिंगला राजी हुआ तो उसका नाम अमृतसर पड़ा। पहले गुरु रामदास चक के नाम पे जाना जाता था, फिर इसका नाम अमृतसर पड़ा। जब इधर उनका मिलाप होया तो राम श्री रामचंद्र जी एक रात इतने आए ने, इतने आके राम जी रुके, मेल मिलाप हुआ। हनुमान जी को सीता माता जी बोलने लगे, बजरंग बली तेरे में तो इतनी शक्ति इतनी पावर थी, आपको छोटे छोटे बालकों ने बांध दिया। वो बोलने लगा, माता जब मैं बच्चों से अस्त्र शस्त्र उठाता ना चाहे युद्ध करता हूँ, मेरे से राम लक्ष्मण नजर आते, मैं इनसे युद्ध नहीं कर सकता। बोलने लगे, नहीं जितना तुम बली है अपना बल दिखाओ, जिन्हें आने वाले काल युग में लोग तेरे नाम पे याद रखेंगे। फिर हनुमान जी ने फाड़े से दो फाड़ा ऐसे रोके, तीसरा फाड़ा ऐसे लगाने लगा। सुबह होने से पहले ही गुजरियों ने ऊँटनी का दूध ढिड़कना डाल दिया, और हनुमान जी ने श्राप दे दिया कि जाओ ऊँटनी के दूध पे सात बार मलाई आएगी लेकिन मक्खन नहीं आएगा। और ढाई टप से जो पूरा सरोवर बना हुआ हनुमान जी का, और ढाई टप लगाए उधर। फिर सीता माता जी को हनुमान जी बोलने लगे, सीता माता तेरे में तो इतनी शक्ति है, तुम अपना इधर कोई आने कोई छोड़ के जाओ, आप चले इधर कोई अपनी निशानी छोड़ के जाओ। फिर सीता माता जी ने वर दिया, जहाँ पोधरे धोए थे वहाँ वर दिया, फिर जो भी औरत है जिसके घर में बच्चा नहीं होता हो के मर जाएगा, गुजरा सतमाया अठमाया होएगा, चाहे लड़की होगी लड़का नहीं होगा, वो इधर आके स्नान करे, जिससे मैं पुत्रवती हुई हूँ वैसे वो पुत्रवती होएगी। बहुत बहुत दूर से लोग स्नान करने के लिए आए, बच्चे के लिए आते हैं। जब इनका मेल मिलाप हुआ तो इधर से फिर सीता माता जी को वापसी लेके राम जी चले गए अयोध्या में, लेके रास्ते में सीतामढ़ी पैंदी है जनकपुरी में, उधर जा के इनकी बैठक हुई है। सीता माता जी ने धरती में प्रार्थना की है, धरती माता मैं तेरी गोद से पैदा हुई, मुझे अपनी गोद में ले लो। धरती फटी है, सीता माता जी धरती में समा गए हैं, राम जी वरलाप करने लगे हैं, देवी देवता का भविष्यवाणी हुई है भी जो इस दुनिया से जन्म लेगा उन्होंने जाना ही है। इतों फिर वापस लैके अयोध्या से वापस लव कुश नूं वापसी लैके चल गए। लव के नाँ पर लाहौर शहर वसया पाकिस्तान च, कसू के नाँ पर कसूर, इनके नाम पर अलग अलग फिर शहर वसया। ये थे महंत अवतार जी जिन्होंने बताया कि पूरे विस्तार से कि भगवान श्री राम यहाँ पर भगवान श्री वाल्मीकि जी ने उनके जन्म से 10,000 साल पहले ही रामायण की संरचना कर दी थी, और यहाँ पर काफ़ी मान्यता है, सीता माता ने भी यहाँ पर एक कुछ वरदान दे रखे हैं, जिस किसी के बच्चा नहीं होता है वह यहाँ पर 5 रविवार को स्नान करे और उसकी मनोकामना पूरी होती है। यहाँ जिस किसी के बच्चा होता है और उसका बच्चे की वो बचता नहीं, उसकी मौत हो जाती है, वह भी यहाँ पर आकर अपनी मनोकामना पूरी करवा सकता है, उसका बच्चा स्वस्थ होता है। इसके अलावा और भी कई धारणाएं इस जो है धार्मिक स्थल से जुड़ी हुई हैं, देश विदेश से लोग यहाँ पर आते हैं, आज भी भगवान श्री राम और भगवान श्री वाल्मीकि के दर्शन यहाँ करते हैं, भगवान श्री रामचंद्र के चरण भी यहाँ पर पड़े हुए हैं। हम आपको अब बाकी चीज़ें भी दिखाएंगे, जहाँ जहाँ माता सीता रही,
कहाँ वो जगह दिखाएंगे जहाँ पर उनके बेटे लव का जन्म हुआ, वह स्थान भी दिखाएंगे जहाँ भगवान श्री वाल्मीकि ने एक कुशा लेकर कुश को कुश में प्राण फूके थे। हम आपको अब ये सरोवर दिखा रहे हैं। ऐसी धारणा है कि भगवान श्री हनुमान जी ने कई फावड़े से ढाई टप यहाँ पर लगाए थे और इस सरोवर की जो है इस सरोवर का की संरचना हुई थी। ये पूरा सरोवर जो है ये पूरे परिक्रमा इसके आसपास परिक्रमा है और भगवान श्री हनुमान की एक बहुत बड़ी प्रतिमा भी यहाँ पर बनी हुई है जो हम आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए सरोवर भी दूर दूर तक फैला हुआ है। अब हम आपको माता सीता की वो बौली दिखाने जा रहे हैं जहाँ पर वह अपने बच्चों लव और कुश के पोतड़े धोते थे और जहाँ पर स्नान भी करते थे। यहाँ पर ये मान्यता भी है जिन महिलाओं को बच्चा नहीं होता है यदि 5 रविवार को वह यहाँ पर स्नान करती हैं तो उनको बच्चा होता है। हमारे साथ हैं महंत अवतार जी, वो भी इस ऐतिहासिक स्थल के बारे में बताएंगे। अवतार जी थोड़ा बताएं इस बारे में थोड़ा सा। ये जी सीता माता जी की कुटिया ए बौली है। इतने सीता माता जी ने लव और कुश के पोतरे तो लव कुश की प्राप्ति हुई ही। इतने जोरी भी औरत है जिसके घर बच्चा नहीं होता हो के गुजर जाता जतमा अठमा होता ज लड़की होंगी लड़का नहीं होंगे है वो इतों आन के स्नान करते उन्हों की मनोकामनाएं पूरी होंगी है। ये सीता माता जी बौली साहब जी। अब हम आपको ये नीचे ये देखिए सीढ़ियाँ हैं और मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि वो धीरे धीरे नीचे जाए और हम आपको उस जगह के भी उस पावन स्थल के भी दर्शन कराएंगे पास से। बौली साहब की पवित्रता के बारे में भी पंजाबी में लिखा हुआ है जिसमें लिखा जरूरी सूचना बौली साहब की पवित्रता नु मुख रख दे किसी किस्म का समान सुटना सख्त मना है। और हम ये भी पूछेंगे ये जो चुन्नियाँ बांधी हैं ये क्या है, इसका क्या मतलब? मांगे जाते हैं जिनकी मनोकामना मतलब इधर स्नान करके जाते हैं और फिर इधर धागे की गांठ बांध के जाते हैं जिनकी मतलब उनकी फिर मनोकामनाएं पूरी होती है फिर जो सी मर्जी आन के गांठ खुल जाती है। अच्छा ये एक ये देखिए आप ये सारे मैं अपने कैमरामैन से भी कहूँगा वो दिखाएं ये पूरा जो रास्ता जाता है नीचे उसके साथ साथ ये कुछ चुन्नियाँ कुछ धागे बंधे हुए हैं, मौली भी बंधी हुई है। ऐसी धारणा है कि जो यहाँ पर पहले मन्नत मांगने आता है वो यहीं पर एक धागा या चुन्नी बांध देता है। जब उसकी मनोकामना पूरी हो जाती है तो फिर वह अपने परिवार के साथ यहाँ पर आते हैं और इस गांठ को खोल देते हैं और ये माता सीता से ये प्रार्थना करते हैं कि उनके परिवार में समृद्धि सुख शांति और खुशहाली बनी रहे। ये देखिए ये वो बौली है, वो एक कुआं नुमा ये बौली है जहाँ पर माता सीता कभी स्नान किया करती थी और अपने बच्चों लव और कुश के पोतड़े व कपड़े धोने के लिए आती थी। ये देखिए सीढ़ियाँ हैं नीचे बनी हुई। यहाँ पर अब महिलाएं जो हैं वो एक खास दिन पूर्णिमा के दिन जो आती हैं यहाँ स्नान करने के लिए आती हैं यहाँ पर। ये हमारे साथ अवतार सिंह जी भी हैं, ये भी थोड़ा बताएंगे इस बारे में। हाँ जी मैं मानता अवतार बाबा जी। इतने सीता माता जी के मतलब लेडीज होंगे जिन्हें बच्चा नहीं होंगे जो के गुजर जाता जतमाया अठमा होंगे हो वो फिर इतने आ के स्नान करते। असी 7 महंत हाँ असी स्नान करवाने जिदा फिर इतने मंदिर स्नान करवा के फल तक सीता माता वगैरह सारा उन्होंने फल है वो देता है उन्होंने मनोकामनाएं पूरी होंगी है। इतों नहीं जाने के फौरन तो बार बार लोगों दूर दूर से लोग आते इतने बच्चे की प्राप्ति के लिए उन्होंने बच्चे की प्राप्ति होंगी फिर उस साल बाद बच्चे इतने मत्था टिकाने वास्ते आते उन्होंने जनों मनोकामना पूरी हो जाती। जय श्री राम। ये देखिए हम आपको दिखा रहे हैं कुछ ईंटें पड़ी हुई हैं यहाँ पर। ये ईंटें ऐसे ही नहीं पड़ी हुई हैं, इसकी यहाँ पर ये धारणा है कि लोग जिनकी ये मनोकामना रहती है कि उनके घर बन जाएं ये यहाँ पर अपने कच्चे घर बनाकर चले जाते हैं और उनके घर बन जाते हैं। इसके बारे में हमें भी अब वो महंत अवतार सिंह इसके बारे में भी बताएंगे। अवतार जी थोड़ा दसना एक ही धारणा जी दी। जहाँ जी ईंटों के घर बने हुए हैं इधर लोगों की मनोकामना पूरी होती है। जहाँ जिनके घर नहीं होते रहने के लिए जगह नहीं होती वो फिर इधर आके ईंटों के घर बना के जाते हैं और उनकी मनोकामनाएं पूरी होती है। और फिर इधर घर प्लास्टिक का कोई चांदी का कोई कैसे इनके इधर घर चढ़ा के जाते हैं जी। ये है सीता माता जी की कुटिया सामने। अब हम आपको दिखाएंगे माता सीता की कुटिया। यहाँ पर हम आपको माता सीता की कुटिया भी दिखा रहे हैं जहाँ पर उन्होंने लव को जन्म दिया और भगवान श्री
महर्षि वाल्मीकि का धूना साहब भी है, आश्रम भी है, जहाँ पर बैठकर उन्होंने तपस्या की। ये धूना साहब अब भी देखिए, ये यहाँ पर जो जल रहा है धूना, ये प्राचीन काल से 24 घंटे यहाँ पर जो धूना जलता रहता है, इसके बारे में भी हम ये महंत जो अवतार हैं वही बताएंगे। ये देखिए कुटिया, ये जी महर्षि वाल्मीकि भगवान जी का धूना साहब जी, जहाँ वाल्मीकि भगवान जी ने रामायण की रचना की थी। राम पहले बताया गया भाई, राम जी के जन्म से 10,000 वर्ष से पहले यहाँ रचना की थी, और यहाँ धूना साहब सब 24 घंटे ऐसे धूना मतलब चलता रहता, लगा रहता है। इधर ही इधर लोग विभूति लेके जाते हैं बच्चों के माथे के लिए, और औरतों वगैरह सबको घर में प्रसाद वगैरह लेते हैं इधर से धूना साहब से। ये है महर्षि भगवान जी का धूना साहब। और इधर आ जाते हैं आगे सीता माता जी की, वो रामायण जी की पालकी है जी। और ये आगे आगे सीता माता जी की कुटिया, जहाँ सीता माता जी ने लव को जन्म दिया था, और कुछ जो कुछ के बने थे, काखों के बने थे। इधर सीता माता जी ने लव और कुछ का लव को जन्म दिया था, और कुछ जो कुछ के बनाए थे वाल्मीकि भगवान जी ने। ये सीता माता जी की कुटिया है, प्राचीन कुटिया सीता माता जी की। इधर गुल्ली डंडा वगैरह चढ़ा के जाते हैं बच्चों के लिए, जो मनोकामना पूरी होती है, फिर इधर गुल्ली डंडा चढ़ाते हैं। इधर लव कुश के गुल्ली डंडे चढ़ते हैं जी। इधर ही जब बच्चों की प्राप्ति होती है, फिर इधर गुल्ली डंडा पहले एक चढ़ा के जाते हैं, मनोकामना जब पूरी होती है फिर जोड़ी गुल्ली डंडों की चढ़ा के जाते हैं, लव कुश के गुल्ली डंडा चढ़ा के जाते हैं। इधर ही फिर तड़ागियाँ बांध के जाते हैं बच्चों की, जिनके बच्चा नहीं हो फिर बच्चों के लिए तड़ागी बांध के जाते हैं, बोल के जाते हैं महर्षि वाल्मीकि भगवान सीता माता सानू पुत्र की प्राप्ति बख्शो, हम ऐसे आके इधर आके गांठे खोलेंगे। प्राचीन जो हैं पादुकाएँ भी पड़ी हुई हैं यहाँ पर। अब हम आपको उस वो स्थान पर दिखाने ले जा रहे हैं जहां पर लव कुश को भगवान श्री वाल्मीकि ने शिक्षा दी थी। यहीं से उन्होंने अपनी जो है शिक्षा प्राप्त की, विद्या शस्त्र विद्या भी इन्होंने यहीं से सीखी। ये देखिए अब हम उस प्राचीन स्थल पर और ऐतिहासिक स्थल पर पहुंच गए हैं। यहां भगवान श्री वाल्मीकि की एक मूर्ति भी बनाई गई है, और ऐसा भी सचित्र बनाए गए हैं जहाँ पर, और हनुमान जी की प्राचीन मूर्ति भी है, और ऐसे एक ऐसी तस्वीर भी बनी हुई है जिसमें दिखाया गया है कि भगवान वाल्मीकि लव कुश को शिक्षा दे रहे हैं और माता सीता लव कुश को खिला रही हैं। देखिए हमारे एक तस्वीर ऐसी भी है जिसमें लव कुश को भगवान श्री वाल्मीकि जो हैं धनुर्विद्या सिखा रहे हैं। ये ऐतिहासिक स्थल है, हम आपको इसलिए यहाँ पर आज लेकर आए हैं। 5 अगस्त को अयोध्या में भगवान श्री राम के मंदिर का निर्माण होने जा रहा है। ये ऐतिहासिक स्थल भी किसी से कम नहीं है, जहाँ पर भगवान श्री राम के अलावा भरत, शत्रुघ्न और लक्ष्मण भी आए थे, भगवान हनुमान भी आए थे। माता सीता ने अपने जीवन का बहुत बड़ा समय यहाँ पर गुजारा है। ये दीप कुमार महात्मा मंदिर है, दीप कुमार महात्मा जी का। इतने दीप कुमार महात्मा जी ने आज तो 500-600 साल पहले सारा मतलब जिथे जिथे सीता माता जी की कुटिया, वाल्मीकि जी का आश्रम, धूना साहब, सरोवर, सारा चानना करके सारा कुछ जागृत करके बाद च उन्होंने इतने जिंदा समाधि ले ली है। ये जहांगीर बादशाह आया उदों के हुए दीप कुमार महात्मा जी, इतने इन्होंने तपस्या की थी दीप कुमार महात्मा जी ने, और इन्हें पूरा राम तीर्थ जागृत किया, श्री राम तीर्थ जागृत किए। अब ये देखिए यहाँ पर कुछ चूड़े जो हैं जो शादी में दुल्हन को पहनाए जाते हैं यहाँ पर बंधे हुए हैं। ऐसी ये धारणा है जिनकी शादी नहीं होती जिन लड़कियों की, वह यहाँ पर मनोकामना यहाँ पर एक सुखना सुख के जाती हैं कि अगर उनकी जब उनकी शादी हो जाएगी तो फिर वे अपने पति के साथ यहाँ पर माथा टेकने के लिए आएंगे, और यहाँ पर ही वो माथा टेकने के लिए भी आती हैं और अपना चूड़ा यहाँ उतार कर यहीं पर छोड़ जाती हैं। हमारे साथ हैं महंत अवतार बाबा जी, जो ये बताएंगे इस धर्म स्थल के साथ और क्या क्या धारणाएँ जुड़ी हुई हैं। एक तो ये यहाँ पर भगवान श्री राम महर्षि वाल्मीकि जी का आश्रम था, माता सीता यहाँ पर आई, लव कुश का जन्म हुआ, और क्या क्या धारणाएँ हैं इस स्थल के साथ जुड़ी। हमारे साथ महंत अवतार बाबा जी हैं, वो बताएंगे। अवतार जी थोड़ा दसना साढ़े दर्शकों ये नाल और कड़ियाँ जड़ियाँ धारणावं जुड़िया हुई हैं। धन्यवाद जी। श्री रामचंद्र इतने जी जो सीता माता जी ने वनवास दिता गया तो इतने आन के लव कुश पैदा हुए, उतों फिर श्री रामचंद्र जी ने यह जग मेघ जागर चाया। अस मेघ जागर चाण के नाल उन्होंने मत्थे दे घोड़े दे मत्थे उत्ते बेल पत्थर बन दिता, भी जिहड़ा भी ये घोड़े नूं फड़ूगा पिछे उन्होंने युद्ध करना पएगा। उहदे पिछे सैना लगी भरत, शत्रुघ्न और लक्ष्मण जी और हनुमान जी, सारी सैना पिछे इन्हां दे आई। चारे कूटा घोड़े ने घूमया, इतने आण के किसी ने घोड़े नूं ना फड़िया, इतने आण के लव कुश ने आण के घोड़े नूं फड़ लिया, राम जी के घोड़े नूं फड़िया। पिछे भरत ही, राम जी ही और शत्रुघ्न सारे इन्होंने कहा भी बच्चों ये घोड़े नूं छड़ दो नहीं तो तुहानूं युद्ध करना पएगा।
वो कहन लगे अही क्षत्रिय पोते अं युद्ध करने तैयार हाँ। उन्हें युद्ध किया, युद्ध करके सारी सेना जी उन्हें मूर्छा कर दी है, सारी सेना मूर्छा कर दी है। फिर सीता माता जी ने उन्होंने कहा महर्षि वाल्मीकि जी गारी प्रार्थना की, महाराज ये युद्ध में रोकया जाए, इन्हें पूरी अपनी अनसा खत्म कर दी है। महर्षि वाल्मीकि भगवान जी गए नीचे पताल च गए, उतों जाके अमृत लिया, अमृत लिया के पूरी सेना उपर छिणक दिता, सारी सेना जी जीवित हो गई। फिर श्री रामचंद्र जी का मिलाप होया, इतने राम जी आए, एक रात राम जी रुके, कहिंदे चरण राम तीर्थ चले आए, जिनके राम वसे मन वाए। राम जी इतने आके रुके, उन्होंने मेल मिलाप होया। फिर इतों आण के लाभ कुछ आके महर्षि वाल्मीकि भगवान जी सीता माता समेत इन्हों इतों विदा किया। राम जी अयोध्या वापसी आए तो उन्हें लक्ष्मण जी को कहन लगे भी लक्ष्मण जी सीता माता ने कहे घोर जंगल में छड़ आओ। फिर लक्ष्मण जी ने सीता माता जी ने घोर जंगल में इतने छड़ के चल गया। उन्हें जो फिर जागर चाहे इन्हों जिनी सेना इन्हों के मन के हंकार आ गया भी जे लक्ष्मण जी वो कहन लगे भी मैं ना होंदा तो पता नहीं लगना ही मूर्छा ना होंदा था। जे हनुमान जी कहन लगे भी मैं ना होंदा तो इन्हें उस जीवनी बूटी का नहीं पता लगना, हनुमान नहीं पता लगना ही, युद्ध सीता माता का लंका पता नहीं लगना ही, लंका पता नहीं लगना है। उधरों सुग्रीव जी कहन लगे भी मैं ना हुंदा ते रावण को किसी ने मार नहीं सकना, वह भेद नहीं होना भी वो धुनी में अमृत आ। सुग्रीव कहन लगा भी जे मैं ना हुंदा ते इन्हू सेना राम जी सेना नहीं मिलनी। इन्हों का खुद सारे मन च उधरों रावण मारना सब तो व्डा अपराध मनिया गया है, ब्राह्मण ही ब्राह्मण मारना सब तो व्डा अपराध गिनया गया है। इन्ह जो देवी देवत्या मतलब बैठक हुई तो देवी देवत्या ने इन्हों भी संबंध हुई भी तुम इंज करो इतने असमेघ जागर चाहो। श्री रामचंद्र जी ने असमेघ जागर चाया, असमेघ जागर चा के घोड़े के मत्थे से बेलपत्र बन दिता, फिर उन्हें चारे घोड़े छड़ता, चारे कूटा घोड़े घूमया, किसी ने घोड़े ना फड़िया, इतने आने के लव कुछ ने घोड़ा फड़िया, इन्हों का हंकार तोड़ने वास्ते इन्होंने फिर सारी सेना जी मूर्छा कर दी है, सारी सेना मूर्छा कर दी है। बाकी जो दूजा श्री रामचंद्र जी ने जो युद्ध हो गया है, सीता माता जी ने कहा महर्षि वाल्मीकि भगवान जी ने महाराज युद्ध रोकया जाए, प्यो पुत का युद्ध होंगे, जो प्यो इतों पुत को कुछ हो गया जो पुत इतों प्यो को कुछ हो गया कलयुग में घोर अंधेरा जाएगा। महर्षि भगवान जी ने फिर युद्ध रोकया, नीचे पताल च गया, उतों जाके अमृत लिया, अमृत लिया के पूरी सेना उपर छिणक दिता, सारी सेना जी जीवित हो गई। बाकी अमृत जरा दुख भंजन वेरी थे जाके धन्यवाद। श्री राम तीर्थ की परिक्रमा के परिसर में एक ऐसी बेरी स्थित है जहाँ पर यह धारणा है कि गुरु नानक देव जी कभी बाला मर्दाना के साथ यहाँ पर आए थे। हम इसे लेकर भी महंत अवतार सिंह के बात करेंगे, वो बताएंगे कि आखिर इस ऐतिहासिक बेरी का क्या मतलब है। ये हम आपको बेरी के दर्शन करा रहे हैं। सरकारों ने कई बार इसके ऊपर छत डालने की भी कोशिश की लेकिन वो सफल नहीं, प्रयास सफल नहीं हो सका। हमारे साथ हैं अवतार जी। अवतार जी थोड़ा दसना ये बेरी का क्या महत्व है जी? ये बेरी हुई है, ये बेरी इतिहासिक बेरी है। इतने पंडित जी एक बैठे ही, वह अपने दूजा ना के श्रद्धालु गाड़ी बैठे, उन्हें तिजोरी रखी, तिजोरी रख के तो दूजा ना के लोगों को कहें भी मतलब मैं तिना लोगों का चानना है गाया। गुरु नानक देव जी और बाला मरदाना जी इतने नंगे दे तो उन्होंने देखा मरदाना जाके देखो भी इतने के कहरी चीज़ का रस पिया आ। उन्हें जो देखा वो कहते महाराज जी इतने आप महिमा चलन दी आ। गुरु नानक देव जी ने कहा मरदाना ये जी तिजोरी यदि चुक के यदि पिठ के पिछे रख दो। गुरु नानक देव जी ने यदि तिजोरी मरदाने ने तिजोरी चुकी आ, चुक के यदि पिठ पिछे रख दी आ। जो कुछ मतलब टाइम बाद उन्होंने देखा अखा खोलिया तो कहते मेरी तिजोरी कितने, मेरी तिजोरी दसो। गुरु नानक देव जी ने कहा भी जे तेन तिना लोगों का चानना है तो तेन अपनी तिजोरी का नहीं पता। उतों फिर उन्होंने समा पंडित जी ने समा मंगी तो उन्हें गुरु नानक देव जी ने कहा भी सीधे रस्ते चलने का उन्होंने प्रचार किया भी सीधे रस्ते चलो और लोगों को गुमराह ना करो। इतने गुरु नानक देव जी रुके ये है धूना जी। इतने साधु महात्मा मेले में जिन्हें साधु महात्मा आते इतने आके रुकते इतने आके धूना लाते हैं। इतने कई बार सत्त पाँव की उपर लेंटर पाँव की कोशिश की आ पर जो लेंटर तक उपर तक पहुँचता एटके मैटकी रात को यह डिग जाता जी। ये इतिहासिक बेरी है, इतने कोई लक्कड़ तक कोई चीज़ नहीं ला सकता जी। हम आपको दिखा रहे हैं ये एक ही स्थान पर जहाँ पर बोर्ड पिप्पल और नीम उगे हुए हैं, ये शायद विश्व का एकमात्र ऐसा स्थान होगा जहाँ पर एक ही स्थान पर एक ही जड़ में तीन जो हैं पेड़ उगे हुए हैं। इसके बारे में भी काफ़ी मान्यताएं हैं, इसे ये भी बताएंगे हमारे साथ महंत अवतार सिंह। महंत जी थोड़ा दस्यो दे बारे में। ये है जी त्रिवेणी घाट, इनू कहा जाता जी, इनू त्रिवेणी घाट जाता। इतने दूजा नकले दे एक जड़ चों तीन दरख्त निकले पिप्पल बोर्ड ते नीम। इतने जो कत्तक दी पुन्या दे मेला हुंदा है लोग इतने इशनान करना बहुत शुभ मनिया जाता है। जिदा इतों इशनान कर लो प्रयागराज कर लो एक बराबर मनिया जाता जी। इहदा क्योंकि इहदा इतिहास इतने लोग इतने भी गंढा बन के सुखना सुख के विआह वास्ते जां मतलब लोग नौकरी वास्ते किसी तरह बाहर जाने वास्ते इतने सुखना सुख के जाते हैं, उन्हां दी मनोकामना पूरी हुंदी है जी। जय श्री राम। ये जिदा मतलब त्रिवेणी है जी, जिदा ब्रह्मा विष्णु महेश होया, गंगा जमुना सरस्वती का संगम होया, इतने तिना का संगम होया पिप्पल बोर्ड तो निम का, इन्हों का भी इतने संगम होया जी। जय श्री राम। अमृतसर
राम तीर्थ से भगवान श्री राम तीर्थ से श्री वाल्मीकि तीर्थ से दीपक भंडारी की D4 News के लिए खास रिपोर्ट।